अगर मार्जिन मिलता है तो ये अगर कंट्री में बैठा है, वो बंदा है वो गांव में बैठा है, उसके एरिया में भी आप मेरे जैसा कोई बंदा जाएगा आप कंटीन अलाउ कर दोगे, वो तो भूखा रह जाएगा, इसी सेल होगी। हमारे सब तरफ से हम सबका वेलकम करते हैं। कंडील का बी श्योर सैनिक कंडील का तो मिस्टर अतिन गर्ग जी बताएंगे आपको, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। बी श्योर सैनिक सपना भी है, एक पैशन भी है। जैसे बी श्योर में आपने देखा होगा, हम एक बात, उनके रिटायरमेंट के बाद उनके एक आमदनी का जरिया परमानेंट बहुत समय ना लेते हुए मैं आपको कुछ अपने कैंटीन के बेनिफिट्स बताना चाहूँगा। बी श्योर, आप सब लोग मतलब बिल्कुल श्योर रहे कि हाँ, अगर बी श्योर के साथ जुड़े हैं तो गलत नहीं है। थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग डॉक्टर मोरबन जैसी कंपनियों के लिए भी करते हैं, ऐसा ही नहीं है कि खाली छोटी कंपनीज के लिए करते हैं, बड़ी कंपनीज के लिए भी करते हैं। अब कैंटीन के लिए हम लोग का जो प्लान है कि हम लोग जो भी हमारे साथ कैंटीन खोलेंगे, बेसिकली मतलब उन लोगों को जो भी रिक्वायरमेंट होगी, अगर हम कहें कि आप बी श्योर का प्रोडक्ट बेचें खाली, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। केयर और बी श्योर सैनिक कैंटीन में मैं एज ए MD काम कर रहा हूँ, और मेरी सोच ये है कि हम बी श्योर सैनिक कैंटीन पूरे हिंदुस्तान में कोने कोने में इसको लेके जाएं, और खाली हम FMCG प्रोडक्ट ही नहीं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट और कैटल फीड के ऊपर भी काम करें, जिससे कि हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट डे बाई डे बढ़ता जा रहा है उसके ऊपर हम अच्छा काम करें और लोगों के साथ ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें। यही सोच है, और इसी के लिए हम लोग अपनी आयुर्वेदिक यूनिट है हमारी, जिसके अंदर के हम एलोवेरा जूस, आंवला जूस और कैप्सूल सोप, शैम्पू, फेस वॉश बनाते हैं। हम डॉक्टर मोरपेन जैसी कंपनी के लिए भी सोप बनाते हैं, जो आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान की बहुत बड़ी कंपनी है, उसके लिए सामान बनाना हमारे लिए एक प्राइड का काम है। और इसी आशा के साथ कि आप लोगों का सहयोग, सबका साथ हमारे साथ हो, हम इसके लिए आपके आभारी हैं। जम्मू में अभी तक यहाँ आपके स्टोर खुले हैं? जम्मू में अभी 2 ऑपरेशन हो गए हैं स्टोर, और 25 लोगों ने अप्लाई कर दिया है, जो अगले 1 महीने में खुलने जा रहे हैं। सर, किस तरह का प्रोसेस रहेगा सारा इसमें? देखिए, इसमें रजिस्ट्रेशन इनिशियली आपको कराना होता है, और हमारी सोच ये है कि 5 किलोमीटर से कम दूरी पे कोई भी कैंटीन हम ना खोलें, और उस स्टोर की एक मिनिमम इनकम 50,000 रुपये एंड अबव की होनी चाहिए, बिकॉज खर्चे बहुत हैं और 50,000 से कम में उसका कोई गुजारा नहीं होगा। पैसा उसका ख़राब हो या हमारा ख़राब हो, बात एक ही है। रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और विद इन 30 डेज आपकी कैंटीन ऑपरेशन में आ जाएगी। इसके अंदर हम GST से लेके फसाई तक का रजिस्ट्रेशन खुद ही अपने माध्यम से करा के दे रहे हैं, कि लोगों को परेशान ना होना पड़े, क्योंकि मार्केट में जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हो तो अनाप शनाप पैसे लोग मांगते हैं, तो वो फैसिलिटी भी हम दे रहे हैं।